हेलो एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू सो वेलकम टू रान एग्रीकल्चर क्लासेस ये वाली जो क्लास है वो क्लास नंबर वन 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 है ठीक है तो थंबनेल मैं जल्दी जल्दी में चेंज करना भूल गई तो आप में से कोई भी नया है तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है थेके? और इसके साथ ही हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं ये है अडर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आपके जॉब अलर्ट्स हैं कोई भी वैकेंसी है वो आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा साथ ही साथ मिलेंगी आपके फैकल्टीज की कम्युनिटी ग्रुप्स जैसे एग्रीकल्चर बाय प्रतिभा मैम यहाँ पर आप पूछ सकते हो कुछ भी श्रीकांत अनुभव शिवी पूजा गणेश अंकित निहारिका सुनील अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग सो so, ये है मेरी कम्युनिटी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है कुछ भी सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो ठीक है अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ जहां पर कुछ एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस और कुछ जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे ठीक है सो फुल कॉन्प्ट आपको क्लासेस में मिलते हैं साथ ही हम आपके लिए फाउंडेशन लेक्चर्स भी लेकर आते हैं फिलहाल हमने छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स करी हुई हैं क्योंकि अभी ए एफ आने वाला है तो बहुत जोरों शोरों से बैचेस चले हैं आज भी ट्वेंटी अगस्त को एक नया बैच शुरू हुआ है तो उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती है है ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बाकी तो ओके कपिल सिंह आज मेरी पहली क्लास है वेलकम टू उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेस ओके हाँ मेरा जो आज की क्लास है आज का जो मेरा ए का फर्स्ट क्लास था ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त वाले बैच का उसकी फर्स्ट डेमो क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास जो है वो आपकी नौ बजे आज रात को चलेगी ठीक है तो आप रात को पूरा थ्योरी पोर्शन प्लांट ब्रीडिंग का मुझसे पढ़ सकते हो ठीक है फॉर अ चेंज पहले मैं जेनेटिक्स से शुरू करती थी और जेनेटिक्स की डेमो जाती थी तो आई थॉट प्लांट ब्रीडिंग का भी कुछ डेमो दे दिया जाए तो एक घंटे का डेमो वीडियो जो है आपको मिलने वाला है नौ बजे तो आप देखिए मैं कैसे पढ़ाती हूँ अगर अच्छा लग रहा है तो मुझसे पढ़ने आ जाइए है ना बिल्कुल साहिल ए के लिए तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है इसका मतलब टाइटल आपने देखा होगा टारगेट आईबीपीएस एफओ 2023 और 2024 और जिसने एएफओ की तैयारी कर ली ना जिसने एएफओ की तैयारी कर ली वो तो फिर बाकी चीजें तो निकाल ही लेगा है ना ओके okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज अ ऑटोसाइडल टेक्निक ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल ओके वेलकम टू द सेशन और मुझे जल्दी से बता दो कि योर ऑप्शंस आर यूज ऑफ फिरोमॉन्स यूज ऑफ केमिकल्स यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स या यूज ऑफ स्टेराइल मेल इलॉजिकल वन जीरो फोर ऐसा मत करो बार बार एक नाम मत लिखो आप क्योंकि फिर क्या होता है ना बच्चों के आंसर्स आएंगे बीच में फिर अगर जो ये क्लास एनालाइज कर रहे हैं उनको लगेगा कि बच्चों की क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो वो आपको वहां से या तो ब्लॉक कर देंगे फिर आप ये क्लास नहीं देख पाओगे और वो कर भी नहीं पाओगे कमेंट है ना तो आप क्या करो मत करो है ना हाँ स्पैम हो जाओगे खुद ही रिट्रैक्ट क्या होता है वो वो हो जाता है ठीक है आप बार बार एक मैसेज करोगे वो एनालाइज करेंगे और आपको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे ओके चलो सो यस सो नीनावत बोल रहे हैं बी और बाकी बोल रहे हैं डी 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 तो द राइट आंसर इज डी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ फिरोमोन्स की फिरमोन्स क्या होते हैं बेसिकली हम फिरमोन्स को ट्रैप की तरह यूज करते हैं अगर हमें कंट्रोल में करना हो ये जो फिरोमॉन्स होते हैं ये एक्टो हॉर्मोन्स होते हैं क्या होते हैं एक्टो हॉर्मोन्स एक्टो का मतलब होता है बाहर ठीक है तो जो फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं वो सिक्रिएट करती हैं ठीक है कुछ सिक्रिएशन करती है हार्मोन सिक्रिएशन करती हैं है, और उससे जो आपके मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर जाल में फंस जाते हैं ठीक है so, सो वो होते हैं आपके फिरोमोन्स सेकेंड इज केमिकल आप कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो कोई भी पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए तो वो भी आपका ऑटोसाइडल तो नहीं आता है ठीक है देन यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स लाइट ट्रैप्स आपके जो नॉक्टर्नल पेस्ट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है तो इसको भी हम ऑटोसाइडल टेक्निक नहीं बोलेंगे मैं आपको बताती हूँ कि ऑटोसाइडल टेक्निक क्या होती है नमस्ते विषु नमस्ते सो so, यूज ऑफ मेल डी इज द राइट आंसर तो ऑटोसाइडल टेक्निक एक टेक्निक है जहां पर क्या किया जाता है सबसे पहले रेडिएशन uh, वगैरह के थ्रू जो है स्टिराइल इंसेक्ट जो होते हैं जो मेल होते हैं उनको स्टिराइल किया जाता है फिर उनकी पॉपुलेशन को छोड़ दिया जाता है तो जो वाइल्ड फीमेल होती है वो मेट करती है स्टिराइल मेल के साथ और अल्टीमेटली जो uh, प्रोजेनी आगे बनती है जो बच्चा निकलता है वो स्टिराइल निकलता है तो इंसेक्ट की पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोसाइडल टेक्निक है जहां इंसेक्ट खुद इंसेक्ट का दुश्मन बन जाएगा हमें कुछ नहीं करना है हमें बस स्टिराइल मेल्स को रिलीज कर देना है ठीक है पॉपुलेशन में कि जाओ इंसेक्ट की आबादी घटाओ ठीक है तो यहाँ पर वो होता है हाँ गुड आस्था ये क्या करता है पेस्ट की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको ब्रेक कर देता है क्योंकि स्टिराइल मेल जाएगा तो फिर स्टिराइल ही आगे बच्चा बनेगा और फिर वो नहीं हो पाएगा आगे जनरेशन है ना ओके सो आस्था दामिनी मनीषा अंकित ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग यहाँ पर आप आई होप समझ में आ गया होगा ऑटोसाइडल टेक्निक में हम स्टिराइल मेल का यूज करते हैं सेकेंड क्वेश्चन गुड ट्रैप क्रॉप फॉर स्पोडोप्टरा लुटीरा इज सबसे पहले येजर कौन सा पेस्ट है ये टोबैको का पेस्ट है तो टोबैको में ये पेस्ट जो है वो मेजर माना जाता है अब इस पेस्ट को ट्रैप करने के लिए हम कौन सी क्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं गुड इवनिंग शालिनी गुड इवनिंग कॉटन मैरीगोल्ड कैस्टर या ओकरा तो मैंने आपको पहले भी कव, का, का, काफी बार बताया कि ट्रैप क्रॉप क्या होता है, है ना तो ट्रैप मतलब जाला है ना जाल बिछाना है तो क्या करना है आपको आपकी मेन क्रॉप टोबैको बची रहे इसके लिए आपको उसके चारों तरफ कोई और क्रॉप लगानी है जो उस पेस्ट को पसंद है ताकि उस पेस्ट का पेट उसी क्रॉप को खाके भर जाए और वो आगे हमारी क्रॉप पे ना आए ठीक है तो यहां पर आपका राइट right आंसर होगा सी ठीक है कैस्टर वो क्रॉप है जिसको एज अ ट्रैप क्रॉप हम यूज कर सकते हैं टोबैको के केस में ठीक है चलो अगला सवाल द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट इज प्रेजेंट ऑन विच सेगमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक है एक बार फिर से बताती हूं कोई भी इंसेक्ट है इंसेक्ट वर्ड ही एक लेटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है और वो है इंसेक्टम कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है लेटिन लैंग्वेज से और वो लेटिन वर्ड है इंसेक्टम जिसका मतलब होता है टू कट इनटू जिसको भागों में बांटा जा सके ठीक है इंसेक्ट जो है वो हेड होता है ठीक है थॉरिक्स होता है और फिर एबडोमिन होता है ठीक है ये इसके एंटीना होते हैं है, कंपाउंड है. So, है, 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 है जो हेड होता है उसके थ्री सेगमेंट्स होते हैं है, है, और जो एबडोमिन होता है इसके इलेवन सेगमेंट होते हैं ठीक है थेके? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यस वेरी नाइस नाइन्थ सेगमेंट पे आपके क्या होता है नाइन्थ सेगमेंट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है एब्डोमेन में ग्यारह सेगमेंट होते हैं उसमें से नाइन्थ सेगमेंट में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है ठीक है अगला सवाल अगले सवाल से पहले ये देख लीजिए आप पिक्चर ग्रास हॉपर की यहाँ पे आप एब्डोमेन के सेगमेंट देख पा रहे हो ठीक है और यहाँ पे मेल पार्ट भी देख पा रहे हो ठीक है यहां होता है नाइन्थ सेगमेंट पे अगला सवाल येलो स्टिकी ट्रैप इट्स ओके अमित इट्स ओके कर लो पढ़ लो बस सेलेक्शन चाहिए मुझे आपकी ठीक है प्रशांता गुड इवनिंग गुड इवनिंग अच्छा, okay. अच्छा इधर देखो येलो स्टिकी ट्रैप्स आर टू अट्रैक्ट येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है एफिड्स को व्हाइट फ्लाई को थ्रिप्स को या बोथ ए एंड बी अच्छा क्लास जल्दी खत्म कर दू मैं अब? <laughs> अच्छा चलो वेरी गुड निहारिका विशु मनीषा एवरी वन सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी ठीक है तो दोनों ए और बी जो है वो येलो स्टिकी ट्रैप से अट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब अगर आपको एफिड और व्हाइट फ्लाई को पकड़ना है तो येलो स्टिकी ट्रैप और अगर थ्रिप्स को पकड़ना है तो ब्लू स्टिकी ट्रैप्स का आप मोस्टली यूज करते हो ठीक है ब्लू स्टिकी ट्रैप इज फॉर थ्रिप्स और बाकी एफिड और वाइट फ्लाई येलो नेक्स्ट नॉक्टर्नल पेस्ट आर अट्रैक्टिव टू वर्ड जो नॉकटर्नल पेस्ट होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं जैसे मौत मौत और बटरफ्लाई में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि मौत रात को निकलती है वो नॉकटर्नल होते हैं और बटरफ्लाई दिन में बेचारी घूमती रहती है है ना तो नॉकटर्नल पेस्ट किससे अट्रैक्ट होते हैं येलो स्टिकी ट्रैप से लाइट ट्रैप से फिरमोन ट्रैप से या ब्लू स्टिकी ट्रैप से वो खुद ही आके चिपक जाते हैं यार आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है है ना वेरी नाइस इट इज लाइट लाइट ट्रैप्स ट्रैप्स ओके गुड इवनिंग तो यूज करते हैं नाउ क्योंकि रात को निकलते हैं रात को लाइट होगी वो सारे लाइट के पास आ जाएंगे ओके डैमेजिंग स्टेज ऑफ आर्मी वॉर्म इज जो आर्मी वॉर्म होता है उसका डैमेजिंग स्टेज कौन सा है क्या उसके कैटरपिलर यानी लार्वा स्टेज डैमेज कॉज करता है Uh, क्या उसका प्यूपा स्टेज डैमेज कॉज करता है क्या उसके एडल्ट डैमेज कॉज करते हैं या उसके कैटरपिलर और एडल्ट दोनों ही डैमेज कॉज कर देते हैं बताओ आर्मी वॉर्म माई सेपरेटा नाम होता है इसका ठीक है बहुत चलाक ये होते हैं ये ऐसे सिम्टम्स कॉज करते हैं कि आपको लगता है कि कोई कैटल कोई पशु आपकी खेत को उजाड़ के गया है ग्रेज करके गया है इस तरीके से ये सिम्टम ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेज बाय कैटल इज इज एन करेक्टर इज अ करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ तो किसका है आर्मी वॉम का है ठीक है तो उसका सिर्फ कैटर पिलर ही डैमेजिंग होता है ठीक है एडल्ट नहीं डैमेजिंग होता है ए आंसर इसका सही हो जाएगा बोथ बिल्कुल नहीं होगा जहां पर भी ऑल ऑफ दीज और बोथ देखते हो बस वही आंसर लग जाता है आपको है ना चलो अगला सवाल साइट ऑफ प्यूपेशन ऑफ हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा इज जो प्यूपा होता है आपको पता है मौत है तो इसमें एग होगा लार्वा बनेगा प्यूपा बनेगा एडल्ट बनेगा तो उसका जो प्यूपा होता है वो हेलिकोवर्पा आर्मी जेरा यानी फ्रूट बोरर या इसको पॉट बोरर बोल देते हैं कॉटन के केस में इसको अमेरिकन वॉलबॉम बोल देते हैं तो उसका प्यूपा कहां पर प्यूपेट करता है फ्रूट में करता है सॉइल में करता है लीव्स में करता है या डेब्रिस में करता है आपको कुछ भी बात करनी है तो आप मेरी कम्युनिटी एग्रीकल्चर वाई प्रतिभा मैम पे पोस्ट कर सकते हैं मैं वहां देख लूंगी ठीक है या कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं चलिए तो राइट आंसर इज बी सॉल में प्यूपेट करता है ठीक है तो सोइल में प्यूपेट करता है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कहां पर प्यूपेट करता है ना कहां है ना पे हाइबरनेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान में रखना okay. अब अगला सवाल एडल्ट ऑफ लाइटा स्पीशीज फीड ऑन विच प्लांट पार्ट ये किसका है ब्लिस्टर बीटल की स्पीशीज होती है तो वो कौन से पार्ट पे जो है फीड करता है क्या वो सीड पे फीड करता है या पत्तों पे करता है लीव्स पे या प्लांट डेब्रिस पे करता है जो बचा कुचा ऐसे कूड़ा सा होता है या इन्फ्लोरस पे करता है बताओ यस मनीषा रविंदर इंद्रजीत संजीत गुड दीन बंधु मिश्रा नमस्ते नमस्ते तो so, ये जो एडल्ट है लाइटा स्पीशीज का ये किस पे फीड करता है इनफ्लोरसेंस पे फीड करता है ठीक है ओके okay, नीरज आपका भी नाम ले लेती हूं मैं जो शुरू में कर देते हैं जो मुझे दिख जाते हैं मनीष गुड इवनिंग ओके फॉलोइंग प्रोड्यूस हॉपरबर्न सिम्टम इन कॉटन कॉटन के क्रॉप में हॉपरबर्न सिमटम कौन कॉज करता है इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ देखो अः हॉपरबर्न सिम्टम होता क्या है कि आपका खेत में पूरा खेत जो है वो ड्राई हो जाएगा है ना बिल्कुल ऐसे सूखा पड़ जाएगा ऐसा लगेगा किसी ने आग लगा के सब जला दिया है ठीक है ऐसे जला जला हुआ ऐसा लगेगा वो हॉपरबर्न देखो फंस गए तुम लोग हॉपर वर्न है तो हमेशा लीफ हॉपर नहीं करेगा यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कॉटन की क्रॉप में कौन करता है तो बेटा कॉटन की क्रॉप में जैसिड जो है वो हॉपर वर्न का सिम्टम कॉज करता है ठीक है आपने राइस के केस में पढ़ा पेडी के केस में पढ़ा कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर है जो हॉपर्स होते हैं वो हॉपर बर्न का कॉज करते हैं लेकिन अगर आपसे कॉटन में पूछा गया तो जो जैसिड्स होते हैं आम रस का बिगुटुला वो क्या करते हैं आपके हॉपर बर्न सिम्टम कॉज करते हैं कॉटन में ठीक है तो क्वेश्चन पूरे तरीके से देखना है चलो नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन deformities इन ओकरा फ्रूट इज ड्यू टू द infestation ऑफ oh, डिफॉर्मिटीज मतलब ओकरा का आपने भिंडी देखी होगी कई बार सीधी नहीं होती ऐसे टेढ़ी मेढी हो जाती है है ना ऐसे मुड़ जाती है तो वो किसकी वजह से होता है कौन सा इसमें से कई बार क्या होता है आपको एंटोमोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट नहीं पूछे जाते ये आपके साइंटिफिक नेम यहां पे हो देते हैं ऑप्शन में ठीक है तो आपको पता होना चाहिए मेन मेन का कि किसका साइंटिफिक नेम क्या है जैसे माई थीमना सेपरेटा ये किसका नाम है ये आर्मी वॉर्म का नाम है ठीक है ऐसे याद रख लेना आर्मी वालों के खिलाफ मिथ होती है कि भाई उनको सेपरेट रहना पड़ता है ठीक है तो मिथ ना सेपरेटा की सेपरेट रहना पड़ता है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता फैमिली भी होती है साथ में रह सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये आर्मी का नाम है बेमिसिया टबाकी ये किसका नाम है ये वाइट फ्लाई का नाम है एरियस वाइटिली ये किसका नाम है स्पॉटेड वॉल बॉम का नाम है स्पॉटेड वॉल वॉर्म का ये नाम है स्पोडोप्ट्रा स्पोडॉप्टल किसका नाम है टोबैको कैटरपिलर का नाम है ठीक है टोबैको कैटरपिलर। तो बिल्कुल सही सी आंसर रास्ता व्हाइट फ्लाई नहीं सी आंसर जो है एरियस वाइटिला शेप बिगाड़ देता है जो के फ्रूट होते हैं पॉड होते हैं उनकी शेप को बिगाड़ देता है ठीक है हाँ पूजा कह रही है साइंटिफिक नेम याद नहीं होता है जल्दी और नीरज कह रहे हैं कि मैम नेम कैसे याद करें तो देखो अगर मैंने आपको बता दिया कि मिथ होती है कि आर्मी वाले जो है अपनी फैमिली से सेपरेट रहते हैं तो क्या अब आपको भूलेगा कि आर्मी वॉर्म का नाम था माई थिमना सेपरेटा बताओ हाँ बेमिसिया टबाकी तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो वाइट फ्लाई का नाम है जैसे कि मैम बी एस एग्रीकल्चर से किया था मुझे बी एस सरकारी कॉलेज मिला है जहाँ लेकिन वहाँ मुझे इंग्लिश की क्लास चलती है समझ नहीं आता है आपके यहाँ सारे सब्जेक्ट चलते हैं ओके okay. ऋषभ uh, कोई बात नहीं अगर आपने प्लस वन प्लस टू हिंदी में पढ़ा है तो अभी आपके पास मौका है कि आप इंग्लिश में भी पढ़ लो अभी तो स्टार्टिंग फेज है हमने खुद, हमने खुद खुद मैंने तो तुमने पढ़ा तो है एग्रीकल्चर मैंने तो एग्रीकल्चर कभी प्लस वन प्लस टू में हमें हिमाचल में पढ़ाते ही नहीं है एग्रीकल्चर मैंने डायरेक्ट कॉलेज में ही पढ़ा है एग्रीकल्चर सबसे पहली बार तो आप कोई ऐसा कोर्स ले सकते हो जैसे टीए का कोर्स ले सकते हो जहां पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी इंग्लिश क्या होती है जैसे अगर मैं बोलती हूँ अपूर्ण प्रभाविता तो मैं साथ में बोलती हूँ इसका मतलब है इनकम्प्लीट तो वाला कोर्स ले सकते हो ठीक है नौ सौ निन्यानवे है वो और आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्दी आपका हो जाएगा और इंग्लिश जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है आपको पता है आपको ए एफ ओ क्लियर करना है उसमें भी आपको इंग्लिश तो क्लियर करनी पड़ेगी तो दोनों पे काम करो है ना हो जाएगा धीरे धीरे चलो अब आगे हाँ जी हो गया ना सी इज द राइट आंसर स्पॉटेड वॉलवर्म एरियस जो है वो ओकरा में डैमेज कॉज करता है फ्रूट्स को अब आते हैं आपके जेनेटिक्स uh, और प्लांट ब्रीडिंग के कुछ क्वेश्चन ठीक है करेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली ऐसे लक्षण जो सिर्फ एक सेक्स तक मतलब या तो फीमेल में होंगे तो फीमेल में ही होंगे मेल में होंगे तो मेल में ही होंगे ठीक है जैसे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है कैटल में ठीक है वो सिर्फ फीमेल कर सकती है अगर वो लंबी लंबी बाबा वाली दाढ़ी इतनी लंबी लंबी होती है तो वो सिर्फ मेल्स की हो सकती है वो फीमेल की नहीं होती है है ना तो ऐसे कुछ लक्षण ऐसे कुछ करेक्टर्स जो है उनको क्या कहा जाता है योरोप्शन आर सेक्स इंफ्लुएंस्ड ट्रेड्स सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स या ऑल ऑफ दिस जी ओके एंड राइट आंसर इज बी आपका सही था बी आंसर सही है देखो लिमिट का मतलब होता है क्या लिमिट का मतलब होता है सीमा अपनी लिमिट क्रॉस मत करो अपनी सीमा में रहो तुम ठीक है सुना होगा ना तो लिमिट का मतलब है कि वो सीमित है सिर्फ एक जेंडर तक या तो मेल तक या तो फीमेल तक है ना? तो वो हो जाएगा आपका आंसर ऐसे ऐसे है, है, वो, वो है, है ना बड़े बड़े बाबा वाली दाढ़ी बियडो वाला लगा के तो वो सिर्फ मेल में होता है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा सेक्स इन्फ्लुएंस्ड बोले तो आपने इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो आपको प्रभावित कर देते हैं है ना एक इन्फ्लुएंसर अगर बादल बरसा कर रहा है तो फिर सारे लग जाएंगे करने है ना जितने भी हीरो hero, हीरोइन जो भी है, वो, वो, वो एक्टर एक्ट्रेस सारे करने लग जाएंगे बादल बरसा क्योंकि उनको इन्फ्लुएंस कर दिया गया है उस एक वीडियो से है ना तो यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं करेक्टर्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं ये करेक्टर्स लेकिन मेल में कुछ अलग तरीके से दर्शाते हैं खुद को और फीमेल में अलग तरीके से जैसे गंजापत गंजापन महिलाओं में कुछ और तरीके से दिखाई देता है और जो मेल्स होते हैं पुरुष होते हैं उनमें अलग तरीके से है ना पुरुषों में यहाँ से गंजे हो जाते हैं और यहाँ यहाँ से बाल रहते हैं है ना महिलाओं में ऐसा नहीं होता महिलाओं में भी बाल झड़ते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा भी झड़ते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ से पूरा ही गंजा हो जाओ ओके चलो आ, मैंने सीसीआई के बैच में बारह अगस्त का ज्वाइन किया था लॉग आउट हो गया था पासवर्ड मांग रहे हैं फॉरगेट गेट कहना है अः ओके okay. एक्चुअली ये तो मेरा नहीं है आप कमेंट छोड़ देना मेरे सेशन पे कमेंट छोड़ देना और मैं मैनेजमेंट में बता दूंगी इसको ठीक है दिखा दूंगी कि देखो इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ठीक है ठीके? और आप सपोर्टिंग uh, कॉल को मैं बोल दूंगी कि रिसीव करें आपका कॉल ठीक है ओके ओके डन देख लिया जाएगा मैंने पहले भी देखा ये मैंने सोचा लास्ट में बोलती हूँ स्क्रीन ले लूंगी या ऐसा कुछ करूंगी चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आर एन ए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन जो आर एन जो एन ए बनते हैं वो कहां पर बनते हैं ऑप्शन में बनते हैं में बनते हैं न्यूक्लियोलस uh, में बनते हैं या क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं यस yes. नीरज की बेस्ती हो रही नीर, नीरज की बेस्ती क्यों हो रही है ओके okay. नेनाव लिख रहे हैं सी ओके okay. जो है आरएनए बनता है कहां पर बनता है? में जो है, वो बनता है बिल्कुल सही जवाब रविंद्र प्रशांता नीरज मनीषा सी इज द राइट आंसर आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में बनता है ठीक है ओके क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच स्टेज जो क्रॉसिंग ओवर है वो कौन सी स्टेज में होती है तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है ठीक है और किसके बीच में एक्सचेंज होता है ये आपको ध्यान में रखना है ये एक क्रोमोजोम है ठीक है और ये दूसरा क्रोमोजोम है ठीक है जब इन दो क्रोमोजोम के बीच में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर ठीक है अब ये दोनों जो हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमैटर्स होती हैं सिस्टर क्रोमैटर्स जिसका सेंट्रोमेयर सेम है ये गोलू सेम है दोनों का वो सिस्टर है और ये दोनों जो है ये नॉन सिस्टर है ये और ये ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, तो हमेशा याद रखना क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन होती है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ठीक है और ये कौन सी स्टेज में होती है पैकेटीन स्टेज में होती है ठीक है ये भी ध्यान में रखना अगला सवाल ओनली अबाउट डैश परसेंट ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट कितने प्रतिशत का जो उत्परिवर्तन है जो म्यूटेशन है वो यूज होता है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए अब ये जो म्यूटेशन होती है ये जो उत्परिवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है टू टाइप्स का होता है एक तो स्पॉन्टेनियस जो नेचर खुद करता है जैसे ऋतिक रोशन का दूसरा अंगूठा वो हमने नहीं इंड्यूस कराया है ना उनके मम्मी पापा ने इंड्यूस कराया वो खुद से हो गया नेचर में ठीक है टोटोमेरिज्म की वजह से तो वो तो हो गया स्पॉन्टेनियस एक होता है इंड्यूस जो हम इंड्यूस कराते हैं कुछ म्यूटाजन्स की हेल्प से चाहे वो फिजिकल म्यूटाजेंस है यानी कोई हम एक्स रेज गामा रेज या कोई रेडिएशन यूज कर रहे हैं या तो हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं ठीक है या तो ईएमएस यूज कर रहे हैं हम ठीक है तो कितनी प्रतिशत जो म्यूटेशन है इंड्यूस्ड वाली वो यूजफुल रहती है बिल्कुल सही जवाब द राइट आंसर इज बी जीरो पॉइंट वन परसेंट ओनली ठीक है जीरो पॉइंट वन परसेंट ओनली म्यूटेशन जो है वो यूजफुल होती है यूजली हार्मफुल होती है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैम इज नेगलिजिबल ट्रांसपीरेशन ना के बराबर होती है क्यों क्योंकि जो स्टोमेटा है दैट इज डैश ड्यूरिंग द डे जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है डे के टाइम पे दिन के टाइम पे क्या वो ओपन होता है खुला हुआ होता है या वो बंद होता है क्लोज होता है या वो हाफ ओपन होता है या वो डिफेक्टिव होता है यस yes, नीरज बिल्कुल डेली ये क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे ठीक है छ बजे आपकी क्लास चलती है साढ़े छह खत्म हो जाती है है ना तो क्लोज बी इज द राइट आंसर क्यों कैम प्लांट्स में जो है ट्रांसपीरेशन बिल्कुल ना के बराबर होती है क्योंकि स्टोमेटा बंद रहता है दिन के टाइम पर ठीक है ओके अगला सवाल थ्यूरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स वॉज प्रपोज बाये जो एक्वायर्ड करेक्टर की थ्यूरी है ये किसने दी थी योर ऑप्शन आर डार्विन वेजमैन वोल्फ या बताओ तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये प्रीमेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आता है किसमें प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में आता है यानी मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने बॉटनिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी ठीक है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो सब चीजों की जो थ्योरीज थी उनको प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोला जाता है प्री का मतलब पहले मेंडल मतलब मेंडल से पहले जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना अब यहां पर आप सबने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है एंड दैट इज लेमार्क ठीक है जो लेमार्क है उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स एक्वायर करने का मतलब होता है कि कुछ अपने अंदर समा लेना ठीक है जैसे आप मुझसे एक्वायर कर रहे हो ठीक है बहुत सारे बच्चों ने एक्वायर किया है क्या कि भाई अः कुछ ट्रिक्स से अगर साइंटिफिक नेम याद किया जाए तो कुछ जैसे कि हमने किया ना आर्मी वॉर्म यार आर्मी में मिथ होती है कि भाई सेपरेट हो जाते हैं माई थीम सेपरेटा ठीक है अब हमने एक और ट्रिक बनाई है मतलब हमने मतलब उड़ान टू पॉइंट ओके के बच्चों ने है ना ठीक है तो बनाइए वो है कि पिंक वॉलवॉर्म सुना है कॉटन में कपास में जो पिंक वॉलवॉर्म होता है उसके खिलाफ बीटी कॉटन बनाया गया था ठीक है तो उसके खिलाफ बहुत सारी गॉसिप्स हो रही थी कि सुना सुना है सुने है पिंक के खिलाफ ना बीटी कॉटन लाए अब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करेगा और उसको मार देंगे वो है ना बड़ा अपने आप को चहक रहा था मेजर पेस्ट बन रहा था तो गॉसिप्स हो रही थी है ना तो पी फॉर पिंक पी फॉर पैक्टिनो और गॉसिप्स हो रही थी है ना बातें हो रही थी उसके बारे में तो गॉसिपियाला ठीक है फ्री हो ना थोड़ा ऐसा तो रहो तो कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा माइंड में जब आप एग्जाम में पढ़ोगे देखो हर चीज में लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको चीजों को समझने की जरूरत है लेकिन साइंटिफिक नेम में तुम क्या समझोगे वहां पे तुम अपना ये चीजें कर सकते हो ना कि ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बताते हैं मैम हम ऐसे कर सकते हैं कि जीनियस हनी बी है तो जेनिकुलेट एंटीने है हनी बी में ठीक है तो ऐसे पढ़ा करो यार ठीक है ओके अच्छा थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर में बोला क्या था लेमार्क ने लेमार्क ने बोला कि इस जिंदगी में एक बार अगर आप किसी लक्षण को एक्वायर कर लेते हो अपना लेते हो ठीक है किसी भी करेक्टर को एक्वायर कर लेते हो तो वो आपकी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा इसका मतलब है अगर किसी इंसान की गलती से बाजू कट गई एक्सीडेंट में तो उसके आने वाले पोड़ पोते पड़पोते बेटे में बाजू नहीं होगी अगर एक बार आपने सिक्स पैक्स एप्स बना लिए तो आपकी पूरी जनरेशन में सिक्स पैक्स एप्स आ जाएंगे ठीक है उनको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स के अकॉर्डिंग बोला गया था तो जो वेजमैन है ना जिन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने बड़े सारे चूहे लिए उनकी पूंछ काटी और उनकी ब्रीडिंग कराई आपस में जो उनके बच्चे थे उनमें तो पूंछ आ रही थी उसने बोला ले भाई तेरी थ्योरी हो गई रिजेक्ट क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार एक्वायर कर लिया तो वो पीढ़ी आगे आगे जनरेशन में चलेगा नहीं चल रहा है ठीक है तो ये क्या कर दिया था आपका रिजेक्ट हो गया था वेजमैन के थ्रू ठीक है डार्विन तो पता ही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेंजिस दिया था वुल्फ ने क्या दिया था चलो बताओ मुझे थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दिया था वुल्फ ने ठीक है तो ये सब चीजें जो है अह ये आप कर लेना और टाइम हो गया है ठीक है अच्छा मैंने एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस की है तुम्हारे लिए एंड दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे ठीक है तो आपका आज का क्वेश्चन है कि इन सोर्गम सोर्गम में जोनल सोइंग इज रिकमेंडेड अगेंस्ट जो जोनल सोइंग है वो किस पेस्ट के अगेंस्ट करी जाती है योर ऑप्शन जो जो कमेंट में आंसर करेगा उसका नाम यहां पर कल मैं सबसे पहले लूंगी कि कौन सीरियसली इस क्लास को देखता है ठीक है और उसके बाद दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे आपको ये भी बताना है कि दिस जोनल सोइंग क्या होता है वट इज दिस जोनल सोइंग आपको दो क्वेश्चन बताने किसके अगेंस्ट किया जाता है और जोनल सोइंग क्या होती है मैं आपका कमेंट्स में वेट करूंगी और दैट्स इट फॉर टुडे कल हम मिलेंगे छह बजे इसके अलावा आज जो है 25 अगस्त को ए का नया बैच शुरू हो चुका है जिसमें हम सब आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी इसके साथ ही आपको टेलीग्राम पे ऐड किया जाएगा वहां पर आपके सारे डाउट्स लिए जाएंगे ठीक है आप कभी भी हमसे डाउट पूछ सकते हो डिस्कशन कर सकते हो रिविजन क्लासेस हम कराएंगे आपका जो हम आपको नोट्स देंगे उनको आप प्रिंट भी करवा सकते हो ठीक है और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी वी आर ऑलवेज देयर अगर मान लिया आपको सारे सब्जेक्ट फिलहाल नहीं पढ़ने और आपको एंटो में दिक्कत आता है साइंटिफिक नेम लर्न करने में जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में तो दिस इज सेपरेट बैच उड़ान टू पॉइंट ओ यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग सीड साइंस एंड एंटोमोलॉजी तो दिस एंड दिस ये दोनों ही 80% परसेंट ऑफ पर फिलहाल हैं क्योंकि हमने नया बैच शुरू किया है तो 80% परसेंट ऑफ हमने एक्टिव किया है फॉर वन और टू डेज तो अगर आप कोड लगाते हो कहीं दिख रहा है क्या कोड तो सामने दिख रहा है लेकिन वो कहा गया पेन मेरा यही कहीं होना चाहिए था घूम गया भगवान जाने छोड़ो बने ओह छोड़ो बने की और आ गया अच्छा ठीक है तो भाई एटी परसेंट डिस्काउंट के लिए आपको वाई सेवन एट वन ए कोड लगाना है वाई सात सौ इक्यासी ए सात और आठ में एक का डिफरेंस होता है ना पीछे वाई यस मुझे कोर्स लेना है और ए इज फॉर एटी परसेंट डिस्काउंट ठीक है कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ ठीक है अच्छा एक और बात जिसको हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा था हमारा एक टीए का बैच है ठीक है टेक्निकल असिस्टेंट का उसमें हम सारे ही हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना इजी रहेगा ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में और ये है एग्रीकल्चर महापैक एग्रीकल्चर महापैक में अगले आने वाले एक साल तक हमारे जितने भी बैचेस होंगे चाहे वो ए के लाइव बैचेस होंगे बहुत सारे नबार्ड टी वो सारे बैचेस आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे हमारी टेस्ट सीरीज मिलती रहेंगी एक साल तक अगर आप एक बार एनरोल कर लेते हो एग्रीकल्चर महापैक में ये जितने भी एग्जाम्स हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी आपको लगातार कराते रहेंगे एक साल तक आपको एक बार बस सब्सक्रिप्शन लेना है एनरोलमेंट करना है सेम एटी परसेंट ऑफ पे अभी है कूपन कोड वाई सेवन एट वन ए यूज कर सकते हो है ना अब गूगल पे जाना है आपको ठीक है गूगल पे लिखना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखते ही यहाँ पर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा इस पे ओपन करना है इस तरीके से आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है जब ये खुल जाएगा ऑल कोर्सेज पे अभी बैंकिंग है ना आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में नीचे एग्रीकल्चर करना है अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट हो चुका है दिस इज एग्रीकल्चर महापैक एंड दिस इज एफ जो आज से शुरू हुआ है जिसकी डेमो क्लास आपको आज नौ बजे मिल जाएगी रात को ठीक है अलार्म लगा लेना अब दिस इज प्री और मेन्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच प्री भी बहुत ज्यादा खास है इस बार क्योंकि हमारी अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है नवनीत तिवारी सर जो कि वायरल मैथ्स से बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है जो आपको ऐसे जल्दी से मैथ्स के क्वेश्चन करवा देते हैं इजी ट्रिक के साथ ठीक है वो है उसके बाद आपके संतोष सर हैं ठीक है ठीके? जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत अच्छा शांतनु सर हैं रीजनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे फ्री प्री की फैकल्टीज और हमें तो आप जानते ही हो है ना फ्री की फैकल्टी निकल गया ओके okay. नीरज इस ओके okay. हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा आ, देखो ए एफ ओ में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा नोट्स इंग्लिश में रहेंगे पढ़ाया आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा जैसे अभी पढ़ रहे हो आप टी ए के बैच में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा ठीक है और इसके अलावा अभी नहीं किया विशु मैं करूंगी ठीक है अभी टाइम ही नहीं लगा सब्सक्रिप्शन जो है जिसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे हमारे ए टू जेड सारे बैचेस मिलेंगे वो आपको मैं दिखाती हूँ वो आई थिंक सिक्स थाउजेंड थ्री नाइनटी नाइन सिक्स थाउजेंड के आसपास है और जो ए एफ ओ का बैच है अकेला ए एफ ओ का बैच वो आपका थ्री थाउजेंड टू नाइनटी नाइन का है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टोटल फोर हंड्रेड की लाइव क्लासेस मिलेंगी टोटल ओवरऑल ठीक है Uh, आपको 45 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको 102 ई e बुक्स मिलेंगी जिसमें चैप्टर वाइज आपकी सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे वैलिडिटी एक साल की है इसके अलावा आप यहाँ पर ना नीचे नीचे जाके अपना स्टडी प्लान चेक कर सकते हो ठीक है यहाँ पर है चेक द स्टडी प्लान हियर हियर पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्टडी प्लान ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो प्रतिभा मैम की क्लास ब्रीडिंग की प्लान ब्रीडिंग की आज थी दो से तीन अब आप नहीं भी देख पा रहे हो तो आपको रिकॉर्डेड भी एक साल तक रहेगा कभी भी देख लो अब मुझसे पूछ रहे थे नीरज की सब्सक्रिप्शन वाला गूगल पे जाओ अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑल कोर्सेज एग्रीकल्चर एंड फर्स्ट नंबर पे है एग्रीकल्चर महापैक एग्रीकल्चर महापैक पे आपको क्लिक करना है ये ग्रीन ग्रीन खुल जाएगा इस पे भी क्लिक करना है आपको वैलिडिटी देख लेना ट्वेल्व मंथ्स की सिक्स मंथ्स की या थ्री मंथ्स की 12 मंथ्स तक अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 12 महीने तक हमारे सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो है वो बैचेस चाहिए चाहे वो एमएससी एंट्रेंस है नेट है आईसीआर सी जी है या नबार्ड है ए है क्रिबको है आर है इफको है जो भी वैकेंसीज आती रहेंगी एन है वो सब एड होते जाएंगे आपके इसमें आपको अलग से कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है एक साल तक बाय नाउ करोगे 80% ऑफ है तो आपको वाई सेवन एट वन ए कोड लगाना है और सिक्स थाउजेंड थ्री नाइनटी नाइन में आपको ये मिल जाएगा ठीक है इसके साथ ही आपको ऐप इंस्टॉल करना है ऐप इंस्टॉल में भी आपको कुछ क्वाइंस मिलते रहते हैं आपको क्विज अटेंड करते हो अगर आपके पास क्वाइंस हैं, तो ये और भी कम हो जाएगा टू हंड्रेड और कम हो जाएगा वैसे सिक्स थ्री नाइन नाइन में आपको ये पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है एक साल के लिए सारे बैचेस का सारी टेस्ट सीरीज का सारी ई बुक्स का ठीक है ठीक है हाँ प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी बिल्कुल प्री और मेंस दोनों की तैयारी इसमें कराई जाएगी उसका भी आ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो टोटल है ना चलो अब मैं चलती हूँ एट मिनट्स ओवर हो गए वैसे भी तो ये क्लास सिक्स टू सिक्स थर्टी चलती है कल मिलते हैं नई क्लास में वहां पे आपकी सैटरडेज को रिविजन क्लास होती है ना यहाँ पे तो हम रिविजन क्वेश्चन करेंगे पचास क्वेश्चन करेंगे कल ठीक है ओके बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ ऑल द बेस्ट